राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पेरारी बलन को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्यपाल के तमिलनाडु सरकार की सितंबर 2018 की रिहाई की सिफारिश फैसला न लेने पर सवाल उठाया है। गौरतलब है कि पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड मामले में पेरारी बलन पिछले 32 साल से जेल में है। रिहाई की सिफारिश पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इस संबंध में राज्य के राज्यपाल का कोई विवेक है। राज्यपाल द्वारा 2 साल और 5 महीने बाद राष्ट्रपति को राज्य सरकार की सिफारिश भेजने की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की। बता दें कि टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी बलन को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में क्षमा यानी दया याचिका की सुनवाई में हुई देरी की वजह से उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। तमिलनाडु सरकार ने उसकी उम्र कैद को भी खत्म कर रिहा करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। अभी ये मामला गवर्नर और राष्ट्रपति के पास लंबित है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी बलन को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जेल में रहते हुए उसके आचरण, शैक्षणिक योग्यता और बीमारी के आधार पर जमानत दी जा रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राज्य सरकार द्वारा सजा में माफी की मंजूरी के बाद भी राज्यपाल याचिका पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदेश पारित किए बिना राज्यपाल ऐसे ही बिना निर्णय लिए बैठा रहे। कोर्ट ने कहा कि हम जमानत पर रिहाई का आदेश पारित करेंगे। वहीं पेरारी बलन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि फिलहाल वह पैरोल पर अपने घर पर है। पैरोल की शर्तों के अनुसार वह घर से बाहर नहीं निकल सकता, किसी से नहीं मिल सकता, मीडिया सहित किसी बाहरी व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उन्हें जमानत तो दी जा सकती है। पहले इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माफी पर फैसला लेने के बारे में पूछे जाने पर राज्य सरकार ने जवाब दिया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने इस मामले में राष्ट्रपति को अपना जवाब सौंप दिया है। उसमें कहा गया कि इस मामले पर किसी भी तरह का फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।